अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर वालों के लिए आपका जो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के तहत जो प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं उसका पैटर्न क्या है फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें याद करनी होती हैं, किस तरह से करना है, सारी जो प्रिपरेशन के लिहाज से गाइड है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर जूलॉजी की, उससे रिलेटेड बात करें हम, ठीक है। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो प्रैक्टिकल है वो है आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों का जिस तरह से मैं बता चुकी हूँ, सेकेंड ईयर का जूलॉजी बॉटनी दोनों का बता चुकी हूँ, किसी ने देखना है तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियोज़ की, उस पर हम बात कर चुके हैं। वहाँ पर बताई थी कि आपको सेकेंड ईयर जूलॉजी के अंदर जो है वो 7 मार्क्स का आपका जूलॉजी का था उनका, और आपका जो है वो 8 मार्क्स का, यानी जो 15 मार्क्स का बायो का प्रैक्टिकल होता है उसमें से 8 मार्क्स का आपका जूलॉजी का हो जाता है और 7 मार्क्स का जो है वो बॉटनी का आपका फर्स्ट ईयर वालों का प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ये जो मार्क्स थे उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें भी सेम यही था कि जो 1 मार्क होता है उसको हम इक्वल करते हैं 10 पॉइंट्स के। ये हम सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम थोड़ी सी जो है वो उसकी मार्किंग की थोड़ी सी वर्थ बढ़ा दें और हमारे पास जो सवाल आते हैं उनके अंदर उन मार्क्स को डिवाइड कर दें। तो इससे क्या हुआ कि जो 1 मार्क था वो बराबर हो गया 10 पॉइंट्स, इसी तरह से जो 8 मार्क्स थे वो बराबर हो गए 80 पॉइंट्स के। तो ये जो 80 पॉइंट्स होते हैं फिर हमने उसको इस तरह से डिवाइड कर दिया 5 सवाल के अंदर। आपके पास पहले सवाल में डाइसेक्शन होती है, दूसरे सवाल के अंदर बिल्कुल वैसी जैसे सेकंड ईयर के अंदर भी था कि स्लाइड प्रिपरेशन है, और फर्क ये कि आपका यहाँ पे फिजियोलॉजिकल टेस्ट भी आ सकता है दूसरे सवाल में। तीसरे में वही स्पॉटिंग होती है, फोर्थ के अंदर वही वाइवा के मार्क्स होते हैं, और 5 के अंदर आपको जो सर्टिफाइड जर्नल सबमिट कराना होता है। इस तरह से इनके पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दी हुई है, सबसे ज़्यादा 30 पॉइंट्स की स्पॉटिंग है, 20 पॉइंट्स की डाइसेक्शन है, और बाकी 10 पॉइंट्स के 3 सवाल हो जाते हैं। टोटल आपका 80 पॉइंट्स का फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 के अंदर आपको क्या है, डाइसेक्शन करनी होती है। डाइसेक्शन किन किन चीज़ों की कराई जाती है, आपके पास फ्रॉग और कॉकरोच की कराई जाती है। फ्रॉग की बहुत सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम, हेपेटिक एंड रीनल सिस्टम, या फिर एंटीरियर वेन्स या फिर वीनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग की डाइसेक्शन होती है, या फिर कॉकरोच की डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइसेक्शन कराती है। ये चीज़ हो जाती है आपकी 20 पॉइंट्स की। मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या करना है, अभी आप पहले पैटर्न को एक दफ़ा सही से सुन लें, ठीक है। तो डाइसेक्शन होगी किस तरह से होगा कि आपकी जो शिफ्ट्स होती हैं मॉर्निंग इवनिंग की, डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे बैचेस होते हैं, बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक बैच के अंदर आपके पास कोई से भी 2 सिस्टम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का प्रैक्टिकल आया हुआ है तो आपका जो बराबर आपके जो बराबर वाले कैंडिडेट्स होंगे उनका कोई दूसरा सिस्टम होगा, और इसी तरह से फिर पूरे बैच में बस ये 2 ही सिस्टम अल्टरनेटली हर बच्चे को दिए जाएंगे। आपका कोई वैसे आएगा तो सवाल में कोई एक ही डाइसेक्शन होगी, 2 डाइसेक्शन नहीं करनी होती, एक ही करनी होती। सिर्फ ये बता रही थी कि आपके साथ जो लोग होंगे उनका आपसे डिफरेंट होगा, इसीलिए ताकि चीटिंग वीटिंग ना हो तो थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम दे देते हैं, बाकी पूरे बैच के वही 2 सिस्टम चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है कि क्वेश्चन 1 के अंदर सेक्शन आ जाती है। क्वेश्चन 2 के अंदर आपको कोई स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, या तो अगर स्लाइड प्रिपरेशन वाला टॉपिक नहीं आता तो फिर फिजियोलॉजिकल टेस्ट करना होता है। इसमें भी जो होते हैं वो स्लाइड प्रिपरेशन जो होती है वो इन चीज़ों की होती है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट में ये 2 होते हैं, तो इसमें भी इसी तरह से कोई 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों आपके आसपास वाले लोगों से डिफरेंट होगा, उनका डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा, सही है। तो अगर तो आपकी स्लाइड प्रिपरेशन आ रही है तो उसके अंदर आपको जो है वो स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ फ्रॉग की स्लाइड बनानी होगी, या सीलेटेड एपिथीलियम ऑफ फ्रॉग, या रेक्टल कंटेंट ऑफ फ्रॉग, अक्सर ये वाला नहीं भी कराते, देख लीजिएगा जितना भी आपको जो भी कराया आपको वो करना पड़ेगा, या फिर ब्लड ऑफ फ्रॉग की जो है वो स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है। मैं बताऊंगी कि किसके अंदर कैसे क्या करना है। या तो अगर स्लाइड प्रिपरेशन नहीं आ रही तो फिर क्या चीज़ आएगी, फिजियोलॉजिकल टेस्ट। इसके अंदर या तो बीपी मेजर करने वाली होती है चीज़, यानी कि हो सकता है परफॉर्म करा लें, हो सकता है ना कराएं, वैसे परफॉर्मेंस होती है, और या तो फिर आपको जो है वो ये जो दूसरा है एक पूरा इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, ये आपको करना होता है स्लाइवा के अंदर डाइजेशन ऑफ स्टार्च और दूसरे भी होते हैं एंजाइम इफेक्ट फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन एंजाइम वाला भी होता है, जो भी आपको करवाया है वो फिजियोलॉजिकल टेस्ट आपको करना होगा, ठीक है। ये आपका 10 पॉइंट्स का होता है। उसके बाद इसी तरह से आपका जो है वो स्पॉटिंग आता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, यानी कि वही आपके 3 स्पॉट्स होंगे आपको, यानी स्पॉट्स यानी कि स्टेशन होते हैं, वहाँ पे आपके पास जो होती है चीज़ रखी हुई होती है। पहले स्टेशन पे हो सकता है आपके पास कोई स्लाइड रखी हुई हो, परमानेंट स्लाइड, यानी माइक्रोस्कोप लगा होगा उसके अंदर कोई स्लाइड रखी होगी, आपको स्लाइड देखनी होगी, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, डायग्राम बनानी होती है, दूसरी चीज़ें करनी होती है, मैं बताती हूँ डिटेल में, ठीक है। एक स्टेशन पे स्लाइड होती है, उसके बाद दूसरे स्टेशन पे आपके पास कोई इनवर्टिब्रेट होगा और तीसरे स्टेशन पे आपके पास कोई वर्टिब्रेट होगा, ठीक है। तो वो जो भी आपको करवाया है वो आप देख लेंगे। उसके बाद ये होता है क्वेश्चन 4 में आपका वाइवा आ जाता है, आपके जर्नल के पीछे वाइवा गिवन है, मैं आपको दिखा दूँगी, और उसकी जो वाइवा की जो पिक्चर्स हैं, अगर किसी को चाहिए वो वाइवा के सवाल, वो बहुत सारे सवाल गिवन है हर चीज़ के, यानी यहाँ पे जितनी भी जो भी चीज़ें हैं ना, सारे जो भी सवाल हैं प्रैक्टिकल्स हैं उन सब के जो है वो वाइवा क्वेश्चंस आपके जर्नल के बैक में, प्रिंटेड जर्नल के बैक में गिवन होते हैं। मैं उसकी स्कैन पिक्चर का PDF जो है वो आपके
डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसकी पीडीएफ बना के डाल दूंगी, तो आप वहाँ से अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन फाइल जो आप जर्नल बनाते हैं वो आपको सबमिट कराना होता है। अब इस पर आ जाते हैं कि किस चीज़ के अंदर क्या करना होता है। आपके पास जो डायसेक्शन होती है तो उसके अंदर मेनली क्या चीज़ होती है, परफॉर्मेंस होती है। जैसे कि आप खोल के देखेंगे आपको जर्नल में चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग है तो जब उसकी डायसेक्शन करते हैं तो डायसेक्शन करने के बाद जो होती है ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन हैं, इनको एक्सपोज करके दिखाना होती है, डायसेक्ट करके आपको दिखाना होता है कि आपने ईसोफेगस दिखाया है, आप बताएंगे कहाँ है। इंटेस्टाइन नज़र आ रहा है, रेक्टम नज़र आ रहा है, पैनक्रियास नज़र आ रहा है, इसके जो इस तरह से पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई होती है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में लेबल डायग्राम का कहीं जिक्र नहीं है, बट आई गेस जहाँ तक मुझे याद है लेबल डायग्राम होती है और बनानी होती है। आपके जर्नल में जो डायग्राम गिवन है उसकी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, जो भी आपको अगर ये वाली बनवाई है या जो भी डायग्राम्स बनवाई हैं डायसेक्शंस की, वो सब आप जो है उस तरह से उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे, वो बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं मेंशन है पॉइंट्स के अंदर, लेकिन आई गेस अगर तो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्योंकि अगर कॉलेजेस में कहीं इस दफ़ा लॉकडाउन वगैरह की वजह से परफॉर्मेंस नहीं करवाई है तो पॉसिबली वो आपसे परफॉर्मेंस नहीं कराएं, तो फिर क्वेश्चन वन में और आप क्या काम करेंगे। फिर तो एक ही चीज़ रह जाती है कि आप उस सवाल के अंदर जो है वो आपकी डायग्राम आपको बनानी होगी। तो यानी इसके अंदर क्या होता है कि डायसेक्शन के अंदर आपको दो चीज़ें करनी होती है, आपको परफॉर्म करनी होती है डायसेक्शन, और दूसरा आपको जो है वो परफॉर्म करके, ये सब लिखना विखना नहीं होता, सिर्फ परफॉर्म किया उसके बाद आपने अपने आंसर शीट के अंदर डायग्राम ड्रॉ कर ली। अगर फॉर एग्जांपल आपका ये सिस्टम आया तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की डायग्राम है वो कर ली आपने, वो ड्रॉ कर ली आंसर शीट में, उसके बाद फिर क्वेश्चन वन आपका हो जाता है। अगर तो कोई आके चेक कर रहा है या कोई पूछ रहा है कि बताओ ड्यूडेनम का है, पैनक्रियास का है, तो वो एक अलग चीज़ है, वरना इतनी सख्त, इतना मुश्किल प्रैक्टिकल होता नहीं है, आसान ही होता है, क्वेश्चन वन में इतना कोई मसला नहीं होता। अब जहाँ तक बात आती है कि भाई अगर किसी ने परफॉर्मेंस किसी को आती नहीं है तो फिर वो क्या करें, कि अगर उनसे करवा रहे हैं कॉलेज में परफॉर्मेंस करवा लें, उन्होंने कहीं ली नहीं है, तो मैंने जो है वो जब बताया था सेकेंड ईयर जूलॉजी वालों को गाइड बताई, तो मैंने उसमें भी आपको बोला था कि आपकी जो एकेडमी होती है, कोचिंग होती है, उसके अंदर प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही होती हैं, तो आप वहाँ से पता करें अगर आपकी कोचिंग में हो रही है, एकेडमी में हो रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सिखा देंगे, परफॉर्मेंस बता देंगे किस तरह करना है, इतना बता देंगे कि आपका प्रैक्टिकल निकल जाएगा। नहीं हो रही तो जो रीओन्ड इंस्टीट्यूशन है जैसे पीसी हो गया, आदम जी हो गया, वहाँ पे तो वैसे होती हैं प्रैक्टिकल क्लासेस, तो आप जाएं पता करें वहाँ से प्रैक्टिस करें। और अगर ये वाला सलूशन भी आपको मुश्किल लग रहा है तो आपका जो जर्नल होता है ना उसके अंदर इस तरह से सारा प्रोसीजर गिवन होता है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ें, यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जो है वो आप सर्च करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच फॉर एग्जांपल की डाइसेक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच डाइसेक्शन लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास एक से दो कोई ना कोई वीडियो जो है वो खुल जाएगी। तो आप प्रोसीजर पढ़ें, उसके बाद आप वो वीडियो देख लें, वीडियो के अंदर भी वो सही से एलिब्रेट कर रहे होते हैं पूरा, अक्सर किसी कॉलेज की बना के डाली हुई होती है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो भी आपने करना है, और अगर कहीं परफॉर्मेंस नहीं हो रही फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपकी वैसे ही जान छूट गई इस काम से। तो क्वेश्चन वन के अंदर कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी, बस आपने ये देख लेना कि कौन से सिस्टम के अंदर क्या चीज़ अच्छे से एक्सपोज करके दिखानी है, इसके इस तरह से इन्होंने पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं और लेबल डायग्राम बनानी होती है। ठीक हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं कि आपके पास जो स्लाइड आपने प्रिपेयर करनी होती है या जो आपको फिजियोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो अगर तो आपकी जो है वो स्लाइड प्रिपरेशन आ रही है क्वेश्चन 2 के अंदर, तो आपको क्या क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब जिस चीज़ की आप स्लाइड बना रहे हैं आपको पता होगा कि आप किस चीज़ की स्लाइड बना रहे हैं। जैसे आपको ये बताना होगा कि आप स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग की स्लाइड बना रहे हैं या ब्लड ऑफ फ्रॉग की स्लाइड बना रहे हैं। वैसे तो ये चीज़ भी बता देते हैं, इसमें सच को आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, लेकिन अगर कहीं बोल रहे हैं तो फिर आपको आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि किस चीज़ की है। वैसे तो बता देते हैं, इसमें कोई ऐसा सच मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हो जाती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ यही बताना होता है कि आप कर क्या रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आप किस चीज़ की स्लाइड बना रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी स्टेनिंग, और तीसरी चीज़ आती है माउंटिंग। स्टेनिंग और माउंटिंग क्या, जो अपना प्रैक्टिकल जर्नल खोल के देखेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे इस तरह से जो है वो तरीक़ेकार सारा लिखा हुआ मिल जाएगा कि किस तरह से स्लाइड बनानी होती है। ठीक है, प्रोसीजर में, हाँ ये सॉरी, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये सारा प्रोसीजर होता है, इस किस तरह से आपने जो होता है स्पेसिमेन को लेना होता है, उसको रखना होता है, स्पेसिमेन को लेना और उसको स्लाइड पर रखना, उसका एक तरीक़ेकार होता है जिसको हम माउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे जो माउंटिंग लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आप किस तरीके से स्पेसिमेन ले रहे हैं, किस तरह से उसको स्लाइड के ऊपर रख रहे हैं, इस चीज़ को वो देखेंगे, इस चीज़ को काउंट करें। जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को ऐसे उठा के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला करें स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स ऑफ फ्रॉग का, तो आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रॉग की स्किन होती है उसको थोड़ा सा स्क्रैप करना होता है किसी भी ब्लंट चीज़ से। जब उसको स्क्रैप करते हैं तो एक पतली सी झिल्ली या एक पतली सी लेयर निकल के आ जाती है, उसको अगर आप ऐसे ही उठा के स्लाइड के ऊपर रख देंगे तो वो कुछ ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। आपको उसको इस तरह से रखना होता है, माउंट करना होता है कि जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आर पार आपको नज़र आए, यानी कि आपको उसकी एक इवन लेयर या उसकी एक तह
पतली सी बिछानी होती है, उसको प्रॉपर तरीके से माउंट करना होता है, रखना होता है स्लाइड के ऊपर, तो उसको माउंटिंग कहते हैं। और फिर उसके ऊपर स्टेनिंग होती है, पूरा प्रोसीजर होता है, तो उस चीज़ को स्टेनिंग कहते हैं। तो यानी स्टेनिंग और माउंटिंग के यानी जो पूरा आप परफॉर्म कर रहे हैं, स्लाइड जिस तरह से बना रहे हैं, वो पूरी चीज़ काउंट हो रही है, वो पूरी चीज़ देखी जा रही है। तो क्वेश्चन टू के अंदर क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है यानी बताना है कि आप क्या बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ सेल ऑफ फ्रॉग की बता रहे हैं, तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद फिर जो है वो आप उसको पूरा परफॉर्म करेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मेरे ख्याल से करेक्टर्स लिखने होते हैं। पीछे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके अंदर जो इसके फॉर एग्जांपल इसके जो करेक्टर्स हैं आपने वो लिखने हैं कि क्या चीज़ है। और इसकी डायग्राम भी शायद बनानी होती है, तो आप करेक्टर्स भी याद कर लीजिएगा, और जो डायग्राम्स कॉलेजेस में बनवाते हैं फॉर एग्जांपल ये है, तो इसकी जो है वो आपने प्रैक्टिस करके चले जाएंगे। इसी तरह से जो ब्लड स्मियर होता है, स्लाइड को प्रिपेयर करने का भी एक तरीका होता है, यानी जब किसी भी आप उसकी किसी वेन या आर्टरी से ब्लड लेते हैं, तो ऐसे ब्लड का ड्रॉप डाल नहीं देते, बल्कि दूसरी स्लाइड से उसको उस तरह से करते हैं कि उसकी एक इवन लेयर जो होती है वो स्लाइड के ऊपर, जिस तरह से यहाँ डायग्राम में बताया हुआ, वो स्प्रेड हो जाए, ताकि जब माइक्रोस्कोप से देखें तो वो चीज़ विजिबल हो, आपको नज़र आए कि क्या चीज़ आपने बनाई है। तो ये सारा प्रोसेस माउंटिंग होता है, उसके बाद फिर इसमें भी स्टेन डलता है, फिर उसको देखा जाता है, तो आपको यहाँ पे जो इस तरह से ब्लड सेल्स जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो ये आपने जो भी आपको करवाए हैं, एपिथीलियम वाला करवाया है, ब्लड वाला करवाया है, ब्लड ऑफ फ्रॉग वाली स्लाइड बनवाई, वो सबकी आपने क्या कर लेनी है, करेक्टर्स याद कर लेने हैं और डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा आपने परफॉर्मेंस करनी है। और कोई सोच रहा है कि परफॉर्मेंस हमें नहीं आती, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप यहाँ से पढ़ेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, तो आप YouTube पे सर्च कर लें, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एक दो स्लाइड बनाना सिखाई दें, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मे बी वो आपसे परफॉर्मेंस भी ना करवाएं फाइनल प्रैक्टिकल में, सिर्फ आपको बोलें करेक्टर सीख दो और डायग्राम बना दो क्वेश्चन टू के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई स्लाइड प्रिपरेशन के, इसके अंदर ये चीज़ें होती है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल टेस्ट की बात करें, तो उसमें आपको जो भी करवाया है उसके अंदर, जैसे कि आपके पास ये है एंजाइम पिटाइलिन ऑफ सलाइवा के जो इफेक्ट होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च के ऊपर, जो आपका फिजियोलॉजिकल टेस्ट है जो आपको पूरा परफॉर्म करना होता है। कॉलेजेस में बताते हैं किस तरह से आपने सलाइवा लेना होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो सारी चीज़ें जो आपको प्रोसीजर में यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगे, आप इसको यहाँ से पढ़ लेंगे। मेरे ख्याल से पीछे कहीं मेंशन नहीं है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कि कितना कितना लिखना होता है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि ऑब्जर्वेशन, जिस तरह से आपको जर्नल में लिखाया भी होगा कि ऑब्जर्वेशन और टेस्ट रिजल्ट जो है वो आपको लाजमी याद करके जाना होगा या लिखना होगा, जब अगर आपका फिजियोलॉजिकल टेस्ट आता है। बाकी ये कि उसमें परफॉर्मेंस तो होती है, साथ में मैं एक्स्ट्रा ये बोलूँगी कि जो थ्योरी और प्रोसीजर है उसको भी एक दफ़ा करके चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है वो ना लिखवाएं आपसे, हो सकता है कि लिखवा भी लें। बाकी ये तो कंफर्म है कि ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट तो आपको लाजमी फिजियोलॉजिकल टेस्ट के अंदर लिखना होगा, तो याद करना होगा। और परफॉर्मेंस आप प्रोसीजर पढ़ लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, आपसे हो जाएगी इंशाल्लाह, उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। दो ये एक ही वाला होगा, और एक एंजाइम का जो इफेक्ट होता है उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट जो है वो हमें लिखवाते थे, आपको भी लिखवाया होगा, तो यही करना होगा। बाकी ये कि आप देख लीजिएगा, प्रोसीजर और थ्योरी याद कर लें एहतियाती तौर पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन थ्री में आपकी स्पॉटिंग आ जाती है। स्पॉटिंग में बता चुकी हूँ कि आपकी जो है वो पहला स्पॉट कोई परमानेंट स्लाइड होगी माइक्रोस्कोप में लगी हुई, उसमें आपको देख के आइडेंटिफाई करना होगा। बाज़ का तो ये होता है कि नहीं बता रहे होते, तो अगर नहीं बता रहे तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, सारी चीज़ें आपकी गूगल से हो जाएंगी। आप गूगल पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये परमानेंट स्लाइड है, अगर आपको ये करवाई है तो आप लिखेंगे कि सेक्शन ऑफ TS ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, तो आपके पास जो है कि पर्पल ग्रीन या रेडिश कलर की इस तरह की कोई पिक्चर आ जाएगी, आप उसको वहाँ से देख लें। इसी तरह की होती है लैब्स के अंदर भी, अगर तो नहीं बता रहे तो इस सूरत में कह रही हूँ, वरना पॉसिबल मोस्ट प्रोबेबली वो आपको बता देंगे कि आपकी कौन सी स्पॉटिंग के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं और आपने क्या क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपको परमानेंट स्लाइड में चीज़ें करवाई हैं वो आपने जो है वो अच्छे से देख लेंगे, इसमें क्या क्या करना होता है परमानेंट स्लाइड के अंदर। से ये है तो आपको आइडेंटिफाई करना, ये वाली चीज़ हो गई, मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से करना है। उसके अलावा आपको जो लेबल डायग्राम है जो भी आपसे बनवाई है, ये वाली है, मुश्किल है लेकिन आपको यही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर लें इसकी जो लेयर्स वगैरह अच्छे से कर लें। उसके बाद इसमें जो इतनी डिटेलिंग है वो बहुत अच्छे से ना भी करें तो इतना मसला नहीं है। बाकी ये कि बेसिक सी डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लें कि ये ऐसा ऐसा है, बाकी पैटर्न तो सब बना ही लेते हैं, और लेबलिंग अच्छे से कर लेनी है। तो इसमें क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने स्लाइड देखी, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि स्लाइड ऑफ TS ऑफ लिवर है। उसके बाद आपको जो है उसके करेक्टर्स लिखने होते हैं, कम से कम 3 या ज़्यादा 4 से 5 आप लिख सकते हैं, और आपको जो है वो डायग्राम बनानी होती है, ठीक है। तो पहली स्लाइड के अंदर जो परमानेंट स्लाइड होगी माइक्रोस्कोप में, उसका आपने ये काम करना है। उसके बाद दूसरी चीज़, दूसरा स्पेसिमेन या तो कोई वर्टिब्रेट होगा या फिर तीसरा कोई इनवर्टिब्रेट होगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जब कॉलेजेस में आप गए होंगे, नया नया एडमिशन हुआ होगा, तो सबने जूलॉजी म्यूजियम बड़े फैसिनेट होकर देखा होगा। वहाँ पर जो स्पेसिमेन रखे होते हैं, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, स्नेक और डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर रखी हुई होती हैं, ऑक्टोपस क्या क्या रखा हुआ होता है उसके अंदर, तो वही सारे होते हैं। उसमें से आपको जो है वो जो भी आपके जर्नल में मार्क कराया है, जो भी करवाया है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट
आप अच्छे से देख लेंगे आपके पास जो हैं इनमें आपको क्या क्या करना होगा। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आइडेंटिफिकेशन, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन क्या, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक इन्वर्टिब्रेट है तो आपको बताना है कि ये है क्या, लिवर फ्लग है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, फैसुला हेपेटिसी या फिर लिवर फ्लग, इसकी आइडेंटिफिकेशन है इनवर्टिब्रेट्स का, पहले मैं आपको बता रही हूँ ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, इनवर्टिब्रेट्स में आपने क्या लिखनी होती है, इसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन लिखनी होती है, इसके पॉइंट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन किस तरह से कि आप बताएंगे कि इनवर्टिब्रेट्स है तो आपने फाइलम तक इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी ठीक है। इस तरह से जर्नल में लिखवाते हैं कि आपने बताना है कि कौन से किंगडम से, कौन से फाइलम से, कोई सब फाइलम है तो वो, और एग्जाम्पल इस तरह से आप ये लिखेंगे, इसके आपको पूरे 5 पॉइंट्स मिल रहे होते हैं ठीक है। तो आइडेंटिफाई किया कि ये क्या चीज़ है, इसका नाम बताया, फिर उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन बताई स्पॉटिंग के अंदर ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या बताएंगे कि इसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई यानी कैसे आइडेंटिफाई किया, यानी कि इसके जो करेक्टर्स हो जाते हैं तो उसमें से आप कोई से भी 4 से 5 याद कर लें, 3 तो मेरे ख्याल से लिखने ही होते हैं ठीक है। तो उस तरह से ये इनके हो गए। और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो, क्योंकि उसकी क्लासेस भी होती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये हो गया तो इसमें आप प्रॉपर क्लासिफिकेशन बताएंगे, किंगडम बताएंगे, फाइलम बताएंगे, सुपर क्लास है तो सुपर क्लास, क्लास है तो क्लास, कोई सब फाइलम है तो सब फाइलम, इस तरह से प्रॉपर क्लासिफाई किया आपने। इनके करेक्टर्स याद कर लिए बहुत सारे जो लिखे होते हैं, कोई भी 5 याद कर लें एट दी एंड, एट दी स्पॉट आपको कोई भी 3 या 4 कम से कम तो लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ठीक है। इस तरह से 3 स्पॉट होते हैं, एक में स्लाइड आती है, दूसरे में एक कोई वर्टिब्रेट होता है और तीसरे में कोई इनवर्टिब्रेट होता है। और इनवर्टिब्रेट के अंदर आपको जो होती है वो आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन लिखनी होती है अप टू फाइलम, और वर्टिब्रेट के अंदर आपको क्लासिफिकेशन लिखनी होती है अप टू क्लास, उसके बाद फिर उसके करेक्टर्स लिखने होते हैं। ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं, इसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। इस तरह से फिर आपका वाइवा हो जाता है। मैं दिखा देती हूँ लास्ट में जो आपका वाइवा क्वेश्चंस गिवन है ठीक है, उसको आप देख लेंगे अच्छे से। और मैं बता चुकी हूँ अगर किसी को चाहिए हो तो वो फिर मैं जो है उसकी लिंक वगैरह डाल दूँगी ठीक है। तो यहाँ पे आके हो जाती है इसकी गाइड कंप्लीट। किसी को कोई मसला हो, भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।